गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे चैप्टर क्लास सिक्स में चैप्टर साइंस का, जिसमें हम एडिबल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एडिबल पार्ट्स, देखिए प्लांट्स में कई सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे उसकी रूट होती है, उसकी स्टेम होती है, फ्लावर होता है, लीव्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, सीड। तो ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जब प्लांट के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फॉर्म में हम खाते हैं, तो वही चीज़ हम अभी इसमें पूरे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एडिबल पार्ट आता है रूट। रूट आप देखिए, रूट पार्ट होता है जैसे कि कैरेट, टर्निप, रेडिश, यानी कि गाजर हो गई, आपके शलजम हो गया और आपकी मूली वगैरह। तो ये पार्ट जो रहते हैं, ये जो हम खाते हैं, हमारे जो फूड के सोर्सेज हैं, हमारा जो हम खाना खाते हैं, कैरेट, टर्निप, रेडिश, ये सब क्या है, प्लांट के ही पार्ट है। लेकिन कौन सा पार्ट है? रूट पार्ट है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है स्टेम्स। स्टेम्स यानी कि तने, जैसे कि पोटैटो, जिंजर, अनियन, ये प्लांट के स्टेम वाले पार्ट हैं जो हम खाते हैं। नेक्स्ट इज फ्लावर। देखिए, एक प्लांट के अंदर फूल भी होता है, फ्लावर होता है, तो फ्लावर की फॉर्म में हम मोस्टली कॉलीफ्लावर खाते हैं। आपने देखा होगा फूल गोभी जो आती है, तो फूल गोभी हमारी क्या है, फ्लावर पार्ट है प्लांट का। नेक्स्ट है लीव्स, पत्तियां जो होती हैं, जैसे स्पिनेच, आपने पालक देखा होगा, पालक की पत्तियां रहती है और उन्हीं की हम सब्जी बना करके उसको खाते हैं। केबेज हमारी, आपकी पत्ता गोभी, उसमें भी क्या होती है, बहुत सारे पत्तों से वो कवर्ड हुई हुई रहती है, तो वो उसका कौन सा पार्ट है प्लांट का, लीव्स वाला पार्ट है। नेक्स्ट है फ्रूट्स। एक प्लांट के अंदर फ्रूट्स भी आते हैं, तो वो फ्रूट में, जैसे कि एप्पल, मैंगो, बनाना, जितने भी फ्रूट्स हैं, वो सारे फ्रूट्स क्या हो गए, हमारे फ्रूट्स के अंदर आते हैं, यानी कि प्लांट का फ्रूट वाला पार्ट के एग्जांपल ये हैं। फिर आती है स्पाइसेस। स्पाइसेस अलग अलग मसाले, खाने में हम गरम मसाले डालते हैं अलग अलग तरह के, जैसे लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता, बहुत सारे गरम मसाले आते हैं, जीरा वगैरह। तो ये सारे स्पाइसेस किसके अंदर आते हैं, स्पाइसेस हमारे क्यूमिन सीड्स, चिली, ये सारे स्पाइसेस हैं हमारे। उसके बाद आता है सीड्स। सीड्स जो बीज निकलेंगे, जैसे कि जब हम प्लांट को, हमारा प्लांट कंप्लीट हो जाएगा, तो उसमें एडिबल पार्ट कौन सा होगा, सीड्स, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, दालें, अनाज जो होते हैं, जैसे हम गेहूं को देखते हैं, मक्का, ज्वार वगैरह, ये सब क्या है, सीड्स हैं प्लांट का जो पार्ट है वो। फिर आते हैं स्प्राउट्स। स्प्राउट्स अंकुरित, जैसे कि दालें हो गई और दूसरे अनाज होते हैं, जब हम उनको थोड़े से पानी में गला करके रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उनके अंदर से वाइट कलर का एक ऐसा रेशे जैसा, धागे जैसा थोड़ा सा निकलने लगता है, फाइबर जैसा, तो वो यानी कि क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं, उनमें से वापस से जड़ें निकलने लगती हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं, स्प्राउटेड हो जाते हैं, और वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास बेवरेजेस। बेवरेजेस जितने भी पेय पदार्थ होते हैं, पीने की जो चीज़ें होती है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो हॉट ड्रिंक्स हो, जैसे टी, कॉफ़ी और आपके कोल्ड कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये सब किसके अंदर आते हैं, बेवरेजेस के अंदर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये सब एडिबल होते हैं, खाने लायक होते हैं, जिन्हें हम खाते हैं अलग अलग फॉर्म में।